फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस वही पुराने हैं कि जो भी है आपको याद करना है। ऐसे क्यों करना है ये जानने के लिए आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो तो अपने अंग्रेजी में सुधार आप खुद देख सकते हो। जनरल क्लास के लोग जिसे बिस्कुट कहते हैं, उसे मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग क्या कहते होंगे? सोचिए, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तब तक आप भी जरा सोचिए। इस वीडियो आई विल टीच यू समथिंग विच यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। छोटी सोच के लोग लोगों की चर्चा करते हैं। अरे भाई, तुमने सुना वो गंगूबाई की बेटी भाग गई? वो लोगों की चर्चा करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। एवरेज माइंड जो होते हैं वो घटना की चर्चा करते हैं। अरे दादर में ब्रिज में ऐसे हो गया, परेल में। अरे तुमने सुना वहां बम फूट गया? वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। भाई कुछ आइडिया दो धंधा करने का, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। कहते हैं कि अगर आपके पास एक रुपया है और मेरे पास एक रुपया है, आप मुझे एक रुपया देते हो और मैं आपको एक रुपया देता हूं, तो दोनों के पास एक एक रुपया फिर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है और आप मुझे देते हो और मैं आपको देता हूं, तो दोनों के पास दो आइडिया हो जाती है। तो हमेशा आइडिया डिस्कस कीजिए, इवेंट्स और पीपल को छोटे लोगों पर छोड़ दीजिए। इस वीडियो का वर्ब है राइज, टू गेट अप, एज्यूमिंग एन अपराइट पोजिशन, उठना, जागना, उदय होना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। विथ ग्रेट एफर्ट ही रोज टू हिज नीज। यहाँ पे रोज जो है वो राइज का पास्ट टेंस है। बहुत कठिनाई से वो अपने घुटने पर उठ पाया। ए क्वेरल रोज बिटवीन देम, उनके बीच में एक विवाद उठ गया। द रिवर रोज 30 feet इन 8 hours, नदी का पानी एक घंटे में 30 feet उठ गया। इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स का टॉपिक है बुक्स। वी विल डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू बुक्स। हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स, आप किताबें कब कब पढ़ते हो? आई रीड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड एंड ऑन वीकेंड्स आई रीड सम एक्स्ट्रा। या हम कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हर रात सोने से पहले मैं पढ़ता हूं और वीकेंड पर कुछ अतिरिक्त पढ़ता हूं। या मैं कह सकता हूं मुझे पढ़ने का शौक नहीं। व्हाट टाइप्स ऑफ बुक डू यू रीड, आप किस प्रकार की किताबें पढ़ते हो? आई यूजुअली रीड मैगजीन्स एंड बायोग्राफीज, मैं पत्रिकाएं और जीवनी पढ़ता हूं। What is the benefit of reading books? पढ़ने के क्या फायदे हैं? Books can broaden your horizon about thousands of things around the world. It also helps to develop your personality. किताबें आपके सोच का दायरा बढ़ाते हैं,
इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू फिनिश ए बुक, एक किताब खत्म करने में आपको कितना वक्त लगता है? इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बुक, यूजुअली आई फिनिश 400 पेजेस इन ए वीक, यह किताब की लंबाई पर निर्भर करता है, वैसे एक सप्ताह में मैं 400 पन्ने पढ़ लेता हूं। डू यू ऑलवेज बाय बुक्स टू रीड, क्या आप हमेशा किताब खरीद कर पढ़ते हो? नो, आई एम ए मेंबर ऑफ लाइब्रेरी, आई ब्रिंग बुक्स फ्रॉम देयर, नहीं मैं लाइब्रेरी का सदस्य हूं, मैं वहां से किताबें लाकर पढ़ता हूं। व्हाई डू यू रीड मैगजीन्स, आप पत्रिकाएं क्यों पढ़ते हो? मैगजीन्स हेल्प मी टू कीप अपडेट विद द डिटेल नॉलेज ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड द डिफरेंट व्यू ऑफ एमिनेंट पीपल ऑन द टॉपिक। पत्रिकाएं हमें अवगत कराती है दुनिया में क्या हो रहा है और समझदार लोगों के उस बारे में क्या विचार है। What else would you like to say about books? आप किताबों के बारे में और क्या कहना चाहोगे? Books are our best friend. We never feel lonely in the company of books. किताबें हमारे सर्वोत्तम मित्र हैं। उनकी संगत में हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। Do you think reading books is better than playing video games? क्या आपको लगता है वीडियो गेम खेलने से अच्छा किताबें पढ़ना है? अनडाउटेडली बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, निसंदेह किताबें ज्ञान और मनोरंजन के सर्वोत्तम साधन हैं। फ्रेंड्स, वेरी ऑफन यानी कि अक्सर, इसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या है? Frequently, she frequently visited her uncle in village. वो अक्सर अपने अंकल को मिलने गांव जाती थी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि जनरल क्लास जिसे बिस्कुट कहते हैं उसे मिडिल क्लास और अपर क्लास क्या कहते हैं? तो मिडिल क्लास उससे कहते हैं बिस्किट और अपर क्लास कहते हैं कुकीज। तो इसे ध्यान में रखिए, आगे से कुकीज का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को अपर क्लास का साबित कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस ना। Thank you. Keep learning. Have a nice day.